चलो यार, अब मुझे 10 मिनट देना। मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और फिर भी अगर प्रॉब्लम्स रह जाएंगी तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में आ रही थी जो अभी आपके सामने आ रहे हैं। अब आप लोगों ने बिल्कुल खामोश बैठना है, आप लोगों ने बिल्कुल खामोश बैठना है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले 2.4 है जिसमें कुछ बच्चों को मसला आ रहा था। 2.4 में आपके पास अगर आप x की पावर देखते हो तो x पावर 2 है, फिर x है और फिर x की पावर 0 है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए पहली वाली टर्म और आखिरी वाली टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -24 आता है। तो बीच वाली टर्म्स को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारा आंसर जो है मल्टीप्लाई कर कर -24 आए, और जब हम उसको सॉल्व करें तो आंसर -2 ही आ रहा हो। यानी कि हम ये जो -2xy है ना, जो बीच वाली टर्म है -2xy, हम लिख देते हैं 8x² -6xy +4xy -3y² इज इक्वल्स टू 0। देखो, अगर मेरे पास x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और x की पावर 0 पर जा रही है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकता हूँ। अब मैंने -2xy को -6xy और +4xy में ब्रेक किया, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -2x ही बनेगा, 2xy ही बनेगा, और जब मैं -6 और +4 को मल्टीप्लाई करूँगा, सारे हो गए ना, जाओ तुम जाना है तो। अगर मैं -6 और +4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -24 ही बनेगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4x कॉमन ले सकता हूँ, नहीं 4x नहीं ले सकता, 2x कॉमन ले सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x -3y, और यहां पर अगर मैं फोर एक्स वाई -3y² में से मैं y को अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास 4x -3y बच जाता है इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा कि इसको मैं लिख सकता हूं 2x +y और 4x -3y इज इक्वल्स टू 0। फिर या तो 2x +y जो है वो 0 के बराबर होगा, और y इन टर्म्स ऑफ x पूछा था तो y जो है वो हम -2x के बराबर कह सकते हैं। दूसरी जगह पर 4x -3y इज इक्वल्स टू 0 होगा, -3y इज इक्वल्स टू -4x होगा, और y जो है ना वो 4 डिवाइडेड बाई 3x होगा। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब ये है कि y को अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है और बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड पर रखना है। इस हिसाब से मेरा जो आंसर बन रहा है वो -2x और 4/3x, यानी कि आंसर बनेगा डी। अब बताओ किसी को कोई मसला है इसमें 2.4 में? इसने बोला हुआ था वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि मुझे वाई की वैल्यू बताना इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि यहां पर इज इक्वल टू के साथ एक्स है, ठीक है, क्लियर है अब सबको। 2.4 हो गया। फिर 2.15 में बहुत सारे बच्चों को मसला आ रहा था। अगर मैं ये देखता हूँ ना, पहली बात तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये इफेक्टिवली है के एक्स स्क्वेयर प्लस टू के स्क्वेयर एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये इफेक्टिवली पावर है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के एंड के स्क्वेयर, ये किसने इक्वेशन बनाकर दी और उससे बोला यार के और के स्क्वेयर की मुमकिन ना वैल्यूज क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। अब के और के स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1 और 3। अगर के 1 हो, अगर के 1 हो तो क्या 1 का स्क्वायर 3 बनता है? नहीं, वो भी 1 बनता, तो आपका आंसर ए नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? देखो, के और के स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। के और के स्क्वायर की वैल्यू का मतलब यह कि अगर के 1 है, मिसाल है, अगर ऑप्शन ए सही आंसर है और के 1 है तो k का स्क्वायर भी 1 होना चाहिए, तो 1 एंड 1 तो नहीं लिखा, 1 एंड 3 लिखा, ठीक है ना।
इस हिसाब से मेरा आंसर जो होगा ना वो डी होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहां पर ऐसा हो रहा है कि अगर के टू हो तो के का स्क्वायर 4 बनेगा, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप ऑप्शन बी देखते हो, आप कह लो कि के की वैल्यू अगर 2 है तो के स्क्वायर 3 थोड़ी हो सकता है। अगर यहां पर देखो के की वैल्यू अगर 2 है तो के स्क्वायर 5 थोड़ी हो सकता है। के और के स्क्वायर की वैल्यू पूछी तो लॉजिकली आपको सोचना था कि नीचे दिया गया नंबर और उसका स्क्वायर साथ लिखा हुआ। किसी और ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि एक नंबर हो और साथ में उसका स्क्वायर मेंशन हो, सिर्फ और सिर्फ ये हुआ हुआ है ऑप्शन डी। ठीक है, इसके अलावा 3 सवाल और सॉल्व करता हूँ, फिर मैं देख लूंगा कि कितने लोगों ने सारे सवाल या मैक्सिमम सवाल कर लिए और किन की फिर भी क्वेरीज बाकी हैं। 2.2 में लिखा हुआ था द इक्वेशन वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट इज सेटिस्फाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज सेटिस्फाइड बाई के एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू जो है ना, जब इसको सॉल्व किया तो एक पॉसिबल वैल्यू 2 आ रही थी, यानी कि के एक्स स्क्वायर को हम 2 स्क्वायर प्लस के इन टू 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 18 माइनस 14, 2 के माइनस 14 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 7, डी आंसर होगा। इसके बाद 2.6 में है द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन एज दिस। ये प्रॉफिट फंक्शन है, इसमें अगर आप एक्स की जगह नंबर ऑफ यूनिट्स डालोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ कंपनी सेल्स 25 यूनिट्स। अगर कंपनी 25 यूनिट्स बेचती है तो क्या प्रॉफिट होगा, अगर ये मालूम करना है तो आप एक्स की जगह 25 डाल दो तो -0.05 25 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 माइनस 30 कितना बनता है। आपने x की जगह 25 डालना है, x नंबर ऑफ यूनिट्स है, और प्रॉफिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि x की जगह अगर आप यूनिट्स डालोगे तो उन यूनिट्स पर कंपनी का क्या प्रॉफिट बन रहा था ये आपको पता चल जाएगा। तो क्या आंसर बन रहा है, ए। फिर 2.7 ऐसा ही है, द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन एज फॉलोस। एक प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू सेल एनी यूनिट्स। नॉट एबल टू सेल एनी यूनिट्स यानी कि 0 यूनिट्स बेचे, जब 0 यूनिट्स बेचे तो -0.05 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 -30, कंपनी को -30 यानी कि प्रॉफिट नेगेटिव प्रॉफिट होगा, यानी कि नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि कंपनी जब कोई यूनिट नहीं बेचती है तो उसको फिक्स कॉस्ट तो पे करना ही पड़ती है। तो 2.7 का आंसर ये होगा। 2.16 करवा देता हूँ, बाई कंपेयरिंग आपने कंपेयर करना है किसको, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करना है किसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और आपको ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -6 है।